हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। दिस इज सोनम श्रीवास्तव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स, कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उसका रूल फाइंड करना है। अब हमने मैचस्टिक पैटर्न प्रीवियस क्लास में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैचस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैचस्टिक पैटर्न क्या होता है। जैसे कोई लेटर्स लिखना है, उसका जो मैचस्टिक पैटर्न होता है, कोई हमारे पास अगर माचिस की तीलियाँ, मैचस्टिक क्या होता है, माचिस की तीलियाँ, अगर हमारे पास कोई माचिस की तीलियाँ हैं उनसे लेटर्स बनाना है तो उसका रूल क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है कि उसका रूल आपको फाइंड करना है। यूज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल का यूज़ करके आपको रूल फाइंड करना है। मान लीजिए आपको जैसे अब टी है, मैचस्टिक से आपको टी बनाना है, तो आपको रूल एक फाइंड करना है कि टी बनाने के लिए कितनी भी, अगर कितने भी नंबर ऑफ टी बनाए जाएं, तो आप एक ऐसा रूल बता दीजिए, एक ऐसा रूल आपको फाइंड करना है जिससे नंबर ऑफ मैचस्टिक पता चल जाए। जैसे मान लीजिए हम टी बनाते हैं तो एक मैचस्टिक ऐसे हॉरिजेंटली लगेगी एंड एक वर्टिकली, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैचस्टिक कितनी होंगी। अगर एक टी बनाए तो हमें दो मैचस्टिक की आवश्यकता होगी। एक टी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक की आवश्यकता होगी, दो। इट्स मीन नंबर ऑफ मैचस्टिक, नंबर ऑफ मैचस्टिक required in required to make one tea। अगर आप एक टी बनाएंगे तो कितनी मैचस्टिक की आवश्यकता होगी, कितनी टी की, कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, टू। अगर आपके पास दो तीलियां हैं तो आप एक टी बना सकते हैं। अब अगर आपको दो टी बनाना हो, जैसे मान लीजिए एक टी बनाने के लिए आपको टू मैचस्टिक्स लगेंगे, अगर आपको दो टी बनाने, वन टू, तो टू टू कितनी मैचस्टिक्स लग जाएंगी, फोर। अगर वन टी बनाना है तो टू मैचस्टिक, अगर टू टी बनाना है तो फोर मैचस्टिक। ऐसे ही अगर आपको थ्री टी बनाना है तो कितनी मैचस्टिक लगेंगी, टू प्लस टू प्लस टू, सिक्स। फोर टी बनाना है तो आपको एट मैचस्टिक्स लगेंगी। इट्स मीन है यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वन टी की आपको, कभी भी आपको वन की वैल्यू पता हो, फिर आपको कितनी भी ग्रेटर वैल्यू पूछी जाए, जैसे वन की वैल्यू टू है, वन टी अगर की अगर आप बनाते हैं तो टू तीलियों की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपसे अगर टेन टी पूछा जाए, अगर आप टेन टी बनाएंगे तो कितनी टी, कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, सो आप टू से टेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स मीन ट्वेंटी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वन की वैल्यू पता है तो जो वन की वैल्यू होगी उससे उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी नंबर ऑफ टी की रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हंड्रेड टी बनाने हैं, अगर एक टी में टू मैचस्टिक लगती हैं तो हंड्रेड टी में कितनी मैचस्टिक्स लगेंगे, टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू हंड्रेड लग जाएंगे। अब इस तरह एक वेरिएबल, आपको एक रूल बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, तैयार करना है कि उससे कितने भी टी बनाने हैं आप वहाँ पे वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाए। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, माना हमने एक लेट लेट एन बी द नंबर ऑफ टीज। मान लिया कि एन जो है वो नंबर ऑफ टीज है। अब सो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक एन टी, अगर आप एन टी बनाएंगे तो कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगेंगी। सो अगर वन टी बनाने के लिए टू मैचस्टिक लगती हैं तो एन टी बनाएंगे तो एन टू एन लगेंगे, इट्स मीन टू इंटू एन, टू इंटू एन। अब यहाँ पे आपने एक फॉर रूल तैयार कर दिया कि अगर आप एन टी बनाएंगे तो टू एन मैचस्टिक लगेंगी। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टी, जितने भी आप टी बनाएंगे। अब यहाँ मान लीजिए 200, 300 जितने भी टी, अगर मान लीजिए 2n, आपने ये एक रूल बना दिया कि अगर आप टी बनाएंगे, कितने भी टी आप
अगर एक टी मतलब टी बनाने का रूल ये हो गया कि मैचिस्टिक से अगर आप टी बनाते हैं तो उसका रूल ये हो गया। अब यहाँ एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे, मान लीजिए अगर आपने 3 टी बनाया तो कितनी नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स होंगे, सो 2 × 3 करेंगे तो मैचिस्टिक्स की संख्या आ जाएगी 2 × 3 = 6। अगर मान लीजिए आप 50 टी बनाते हैं तो नंबर ऑफ मैचिस्टिक कितनी मैचिस्टिक्स हों कि आपकी टी जो है 50 टी बन जाए, तो सो यहाँ 2 × 50 करेंगे, सो 52 = 100। सो ये एक रूल बन गया कि टी बनाने के लिए 2n मैजेस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें करना क्या है, जो भी वन टी में जितनी मैजेस्टिक्स लगेंगी, जैसे 1 टी में 2 लगी तो आप 2n एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 वाली जितनी 1 में रिक्वायरमेंट होगी, 1 लेटर को बनाने में जितनी मैजेस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तब एक रूल बन जाएगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसी में, अब पैटर्न ऑफ लेटर इसका क्या होगा, 2n, ऐसे जेड, जब जेड बनाएंगे, 1 जेड बनाने के लिए कितनी मैजेस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले एक ऐसे आप मैजेस्टिक्स लगाएंगे, देन ऐसे 1 2 3, अगर 1 जेड बनाते हैं तो 3 मैजेस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मान लीजिए एन जेड बनाएंगे, जब एन बनाएंगे तो 3n हो जाएगी। एन क्या है, एक वेरिएबल है और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यू आपको गिवन, जैसे मान लीजिए 50 जेड बनाने हैं सो 3 × 50 हो जाएगा, 100 बनाने हैं सो 3 × 100 हो जाएगा, 200 500, जितने भी आपको n की वैल्यू, जितने भी जेड आपको बनाने हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। और ये एक रूल बन गया कि अगर जेड बनाने के लिए 3n, ये एक रूल है, तो रूल बन गया, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, नंबर ऑफ मैजेस्टिक आपको पता चलती जाएंगी। ऐसे यू, अगर आप यू बनाते हैं तो कितनी मैजेस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका रूल बनाना है। अगर 1 U बनाए तो 1 2 3 मैजेस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, सो यू बनाने के लिए 3n रूल बन जाएगा। ऐसे अगर 1 V बनाएंगे सो नंबर ऑफ मैजेस्टिक्स कितनी लगेंगी, 2, सो 1 V बनाने के लिए 2 मैजेस्टिक्स लगेंगी। तो अगर आप n V बनाएंगे तो 2 से n को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n। ऐसे ही अगर आप ई बनाते हैं, अगर एक ई बनाएंगे सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर 1 ई बनाया तो कितनी नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स लगेंगी, 5, अगर एन बनाएंगे सो 5n हो जाएंगी। बस क्या करना है, 1 ई, एक ई बनाने में आपको देखना है कितनी नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स लग रही है, 5, उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है, 5n। अब इसमें अगर हम देखेंगे इसको बनाएंगे कितनी मैचिस्टिक्स लगेंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर s बनाते हैं तो हमारे पास 5 मैचिस्टिक्स होनी चाहिए, सो रूल क्या बन जाएगा, 5n। अगर n मैचिस्टिक्स बनाएंगे सो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स इज 5n। ऐसे अगर हम r बनाते हैं सो 1 2 3 4 5 6, अगर 1 R बनाने के लिए 6 मैचिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, सो द रूल इज 6n। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ LCF। अब हम LCF का रूल हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, कुछ लेटर्स क्वेश्चन नंबर 1 के गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो सेम रूल देते हैं एल के, जो एल का रूल है वही सेम रूल कुछ लेटर्स का है जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। विच आर दीज, वो कौन से लेटर्स हैं ये आपको बताना है कि वो कौन से लेटर्स हैं जो एल का सेम रूल ही देते हैं। वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। सो सबसे पहले एल का रूल क्या है, रूल ऑफ एल इज मैजेस्टिक पैटर्न में एल का रूल क्या होगा, एल बनाने के लिए आपको रूल क्या बनेगा, 1 2 2 मैजेस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एल बनाएंगे तो रूल क्या हो जाएगा, 2n। तो अब हम देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कौन से लेटर हैं जिनका रूल 2n है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में टी एंड वी, ऐसे 2 लेटर्स हैं जिनका रूल 2n है। सो टी एंड वी
आर द सेम रूल आर द सेम रूल एज एल अब एल की तरह ही टी एंड सी का भी टी एंड वी का सेम रूल है. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो एल को बनाने में टू मैच स्टिक्स लगेंगे, टी को भी आप बनाएंगे तो टू मैच स्टिक्स लगेंगे, वी को बनाएंगे तो टी को मैच स्टिक्स लगेंगे. अब जितने भी लेटर्स ऐसे हैं जिनको एक लेटर बनाने के लिए सेम मैच स्टिक्स लगेंगे उनके रूल भी सेम होंगे. जैसे अगर आप टी बनाते हैं तो वन टू टू ही मैच स्टिक्स लगेंगे, वी बनाएंगे तब भी टू मैच स्टिक्स लगेंगे. सो इसलिए जो है इनका रूल सेम होगा. Because among these letters, amongst given letter, because among given letters, the number of matchsticks, the number of requirement sorry the number of match because among given letters the number of matchsticks requirement आर सेम. ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड. कैडेट्स जो हैं एक परेड में मार्चिंग कर रहे हैं. अब देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो. एक रो में 5 कैडेट्स हैं मार्च करते हुए. रो में जो हैं वो कैडेट्स खड़े हुए हैं और एक रो में 5 कैडेट्स हैं. मान लीजिए ऐसे कैडेट्स खड़े हुए हैं 1 2 3 4 5. वन रो में 5 कैडेट्स हैं. ऐसे ही रो जो हैं वो लगी हुई हैं. जैसे आप सुबह प्रेयर के लिए खड़े होते हैं रो में, ऐसे ही रो में कैडेट्स खड़े हुए हैं और मार्च कर रहे हैं. एक रो में 5 कैडेट्स हैं. अब व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स. अब आपको एक ऐसा रूल बनाना है जो नंबर ऑफ कैडेट्स बताए. सो नंबर ऑफ कैडेट्स का रूल क्या होगा? गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज एन फॉर नंबर ऑफ रोज. अब नंबर ऑफ रोज जो है वो आप इसमें एक हिंट दी गई है कि मान लीजिए नंबर ऑफ रोज एन है. सो लेट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एन. मान लीजिए आप एन नंबर ऑफ रोज हैं. अब कैडेट्स इन वन रो, नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो. वन रो में जो है 5 कैडेट्स हैं. सो नंबर ऑफ कैडेट्स इन, अब टोटल कितनी रो है? एन रो. अब हमें इसमें ये नहीं पता है कि कितनी रो हैं. सो हमने मान लिया कि यहाँ पे एन रो है और यहाँ पे हिंट में गिवन भी है आपको एन लेना है. सो नंबर ऑफ कैडेट्स इन एन रोज is equal to 5 into n. अब ये हमने 5n कैसे निकाला? मान एक रो में 5 कैडेट्स हैं, टू रो में कितने कैडेट्स होंगे? 5 into 2, 5 2 जा 10. अगर थ्री रो में अगर हम कहें तो 5 into 3, 5 3 जा 15 हो जाएंगे. फोर रोज में 5 into 4. सिक्स रो में कितने होंगे? 5 into 6, 5 6 जा 30 कैडेट्स होंगे. 30 लोग होंगे जो मार्च कर रहे होंगे. अब अगर यहाँ पे रोज जो है वो एन हो तो 5 into n हो जाएगा. जब वन है, वन में 5, 2 में 10, 5 into 2 करेंगे तो 2 रोज का पता चल जाएगा नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं. 3 रो में है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बट यहाँ पे हमें रो की संख्या नहीं पता है. रो की संख्या हमने क्या माना है? एन. जब एन रोज हैं तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन एन रोज में 5n हो जाएंगे. ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स में बोल दिया है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, एक बॉक्स में आपको मैंगोज की संख्या पता है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में आप टोटल मैंगोज की संख्या आपको बताना है कि टोटल मैंगोज कितने हैं, बट आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पता है। मान लीजिए अगर यहाँ एक बॉक्स में 50 हैं, अगर टू बॉक्स होते तो कितने हो जाते, 50 अगर एक बॉक्स में है, दूसरे बॉक्स में भी 50 होंगे तो 50 50 100 हो जाएंगे। तीन बॉक्स होते, जब मान लीजिए एक बॉक्स का आपको पता है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, अगर टू बॉक्स हो तो 50 × 2 हो जाएगा तो 100 मैंगोज। थ्री अगर बॉक्स होते आपके पास तो 50 × 3 कर देते तो आपको पता चल जाता, बट यहाँ पे आपको बॉक्सेस की संख्या नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसको आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल मान लेंगे, कि माना कि बॉक्सेस की संख्या n है, बट यहाँ पे बॉक्सेस की संख्या आपको क्या मानना है, यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। मान लीजिए कि b जो बॉक्स हैं वो b हैं, सो अगर यहाँ पे b बॉक्स हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस b हैं, सो नंबर ऑफ मैंगोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 × b, नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 × b, सो क्या हो जाएगा, 50 b। तो ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे, लेट्स बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब b क्या है, b इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस, हमने मान लिया कि b जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस है, सो नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 50 मैंगोज। वन बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, अब नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्स, अगर बॉक्सेस की संख्या बी हो तो नंबर ऑफ मैंगोज क्या हो जाएंगे, 50 × b, तो नंबर ऑफ मैंगोज इन 50 b, बी बॉक्सेस में 50 मैंगोज होंगे। ये कैसे करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बॉक्स में आपको मैंगोज की संख्या पता है कि वन बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, सो बी बॉक्स, अब हम एक वेरिएबल ले लें, यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना है बिकॉज नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें गिवन नहीं है, सो बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस और इन नंबर ऑफ बॉक्स से सॉरी नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्सेस इज इक्वल टू 50 × b। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट्स, टीचर जो है प्रत्येक स्टूडेंट्स को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, क्या आप बता सकते हैं कि कितनी पेंसिल्स जो हैं, कितनी पेंसिल्स की आवश्यकता होगी, गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं गिवन है, लेकिन आपको ये बता दिया गया है कि जो टीचर है वो प्रत्येक बच्चों को पर स्टूडेंट्स को 5 पेंसिल्स देता है। अगर एक स्टूडेंट्स को 5 पेंसिल्स टीचर ने दी, एक स्टूडेंट्स को आपको पता है 5 पेंसिल्स दी, अब अगर इसमें 2 स्टूडेंट्स होंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, 3 स्टूडेंट होगा तो 3 × 5 हो जाएगा, मान लीजिए 20 अगर स्टूडेंट्स है तो आप बता देंगे कि 20 स्टूडेंट्स है तो कितनी पेंसिल्स की आवश्यकता होगी कि सभी बच्चों को मिल जाए, सो 20 × 5 करेंगे 100 आ जाएगा। सो 1 की वैल्यू जब गिवन होती है तो जितने की भी वैल्यू होती निकालनी होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम एक वेरिएबल मान लेंगे कि मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस है, यहाँ पे आपको यूज एस करना है, यूज एस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स लेट्स एस बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो एस है। अब नंबर ऑफ पेंसिल द टीचर डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल्स
अब पेंसिल्स, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट को टीचर कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट किया, फाइव पेंसिल। सो द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स पेंसिल्स एस स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस हैं सो क्या हो जाएगा, 50 × s, सो 50s आंसर क्या हो जाएगा, 50s। कितनी पेंसिल्स की नीड होगी, कितनी पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स होंगी एस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। अब आपको टोटल डिस्टेंस बर्ड ने कितनी कवर की है इन मिनट, ये आपको गिवन नहीं है कि वो बर्ड जो है वो कितने टोटल टाइम, कितना टाइम वो बर्ड जो है वो फ्लाई की है, ये आपको नहीं गिवन है। बट आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर अगर वो बर्ड जो है, कोई बर्ड 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो आपको बताना है कि वो टोटल एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बर्ड इन द टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। अब वो कितना मिनट उड़ी होगी ये आपको नहीं पता है। मान लीजिए यहाँ पे यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट, मान लीजिए उसने वो टी टाइम, टी मिनट, टोटल वो कितने मिनट में उड़ी, फ्लाई की होगी टी। तो लेट्स बर्ड फ्लाइज 1 टाइम इज़ टी, माना कि बर्ड का फ्लाइंग टाइम जो है वो टी है। सो बर्ड फ्लाई इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन टी मिनट इज इक्वल टू 1 × t हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 t मिनट, टी मिनट पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा टी, 1 × t हो जाएगा। सो 1 × t, टी वन जब टी ही, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर्स आता है। सो टी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टी किलोमीटर। अब टी मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, सो टी मिनट में कितने किलोमीटर उड़ेगी, 1 × t, सो टी किलोमीटर। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड वी विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।